हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। आप में से जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग जाके वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है सीबीएसई क्लास 9 से 12 तक का, वो भी आप लोग ले सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई सा भी कोर्स चाहता है अनअकैडमी पे, वो सुष्मिता 10 कोड यूज कर सकता है। ठीक है, कोई भी कोर्स आप लोग चाहते हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, यूपीएससी हो या बैंक हो, इन सभी कोर्स को आप लोग परचेज कर सकते हो। इसके अलावा भी इसमें आपको 10% ऑफ भी मिलता है और जो सब्जेक्ट जो भी फैकल्टी पढ़ाता हो वो जो है देख सकते हो आप लोग। अब चलते हैं और न्यूज पे फोकस करते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हो, पेंटागन ने रिलीज किया है 3 यूएफओ वीडियोस को जो कि ली गई है यूएस नेवी पायलट द्वारा। ठीक है, अब ये इतनी न्यूज में क्यों है अगर पेंटागन ने रिलीज किया है? सबसे जरूरी है जानना कि ये पेंटागन क्या है और ये यूएफओ क्या है। पेंटागन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो यूएस की है, ये उसका हेड ऑफिस है और चूंकि इनके द्वारा रिलीज किया गया है इसलिए ये न्यूज में हुआ है। इसके पहले भी अनऑथराइज तरीके से रिलीज कर दिया गया था, तब भी लोगों के दिमाग में डाउट था, मिसकंसेप्शन था, तब इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ था, हुआ था पर अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। और इन्होंने रिलीज भी क्या किया है, इन्होंने रिलीज किया है यूएफओ की वीडियोस। ठीक है, अब ये यूएफओ है क्या, देखिए ये देख रहे हैं आप लोग, इसको देख के एक मूवी याद आई, कोई मिल गया। और एक और मूवी अगर आप लोगों को याद आए, कौन सी, पीके। क्या होती है इन दोनों मूवी में, यहाँ पे जादू और यहाँ पे पीके, दूसरे ग्रह से आते हैं किसी एक उड़न खटोला से, हमारी धरती पे लैंड करती है और उसके अंदर से जादू निकलते हैं जो धूप खाते हैं और सबके अंदर जादू करते हैं। दूसरे में पीके निकलते हैं जो कि लाइफ चेंजिंग रहते हैं सबके लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली एलियंस थे जो कि उड़न खटोला से आए थे। अब ये जो उड़न खटोला है जिसके बारे में लोगों को कोई जान नहीं है कि एक्चुअली क्या है, कहाँ से आती है और ये कैसे उड़ रही है, तो इसकी आइडेंटिटी नहीं है, ये अनआइडेंटिफाइड है। और इसी को हम लोग कहते हैं अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो स्पेस में ऐसी दिखती है, यानी कि मिसाइल या किसी भी टाइप की चीज जो उड़ रही है जिसकी कोई आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है, इसी को हम लोग यूएफओ करार देते हैं। सबसे पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था 1953 में यूएस एयरफोर्स द्वारा, ताकि जो भी इस तरीके से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है उसको क्लैरिफाई किया जा सके। ठीक है, अब देखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल पहली बार हो रहा है, इसके पहले भी इससे रिलेटेड थोड़ी न्यूज आई थी, लेकिन अभी चूंकि पेंटागन ने खुद ही इसको रिलीज कर दिया तो ये थोड़ी बड़ी बात हो गई है। 3 वीडियोस जो है जो पायलट्स देखे थे, जो रिकॉर्ड किए थे, वो रिकॉर्डिंग कब हुई थी, एक वीडियो हुई थी 2004 में और 2 वीडियो हुई थी 2015 में। ठीक है, ये अनऑथराइज तरीके से रिलीज की गई थी, एक बार 2007 में, एक बार 2017 में। तब लोगों के दिमाग में आया था क्योंकि जाहिर सी बात है यार, किसी को कोई प्रूफ नहीं पता है कि क्या सच में एलियन होते हैं, तो यूएफओ एकदम से रिलीज किया जा रहा है, वो भी कोई ऐसी संस्था द्वारा या किसी ऐसे तरीके से जो कि लीगल नहीं है, तो लोगों का ध्यान जाएगा, हो सकता है ये हमें बहका रहा हो कोई। लेकिन इस बार उसको खुद पेंटागन ने रिलीज किया है ऑथराइज तरीके से, सही तरीके से, कोई लीक वीडियो नहीं है, इसलिए सबका ध्यान थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है इधर। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन उठते हैं देखा जाए तो, क्या सच में एलियन एग्जिस्ट करते हैं और क्या ये एलियन की स्पेसशिप थी। अब एक बात सोचिएगा कि क्या इसको हम लोग देख के कह सकते हैं कि हाँ एलियन एग्जिस्ट करते हैं। एग्जैक्टली ये कहना तो बहुत ज्यादा सही नहीं होगा कि एलियन ही एग्जिस्ट करते हैं। एग्जैक्टली ये भी कहना कि ये एलियन की ही स्पेसशिप थी, ये भी कहना बहुत ज्यादा सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो वहां से ये वीडियोज ली गई है वहां पर कुछ प्रॉब्लम रही हो। ठीक है, उस पर्टिकुलर हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गई हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये मान लेना कि हाँ जादू आ रहा है हमारे ग्रह पे, या पीके आ रहा है हमारे ग्रह पे, या कोई भी एलियन आ रहा है, ठीक है, तो वो कहना बहुत ज्यादा सही नहीं है जब तक हम लोग उसका पूरा प्रूफ ना देख लें। ठीक है, तो देखा जाए कि आखिर पेंटागन ने जो किया है ये एक्चुअली क्या है, अगर कुछ और हमें पता चलता है तो अपन लोग अपडेट करते रहेंगे उसमें। इसके अलावा देखिएगा, अगर आप लोग मेरा सा करंट अफेयर्स देखना चाहते हो तो आप लोग मुझे सुबह 7:30 बजे क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। कहां पे ज्वाइन कर सकते हो, आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पर। ठीक है, यहां पे आप लोग जो है मेरे साथ में जुड़ सकते हो और इसमें हम लोग कवर करते हैं न्यूज को। ठीक है, याद रखिएगा चैनल कौन सा है, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम, मेन चैनल की बात नहीं हो रही है बच्चों। ओके, चलो, अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
याद रखिएगा यूएफओ तो दिखा है और 29 अप्रैल भी आ रहा है, होपफुल रहा जाए कुछ अच्छा होगा, ओके। और बिसाइड कोविड अभी भी तेजी से बढ़ रहा है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और सबका ध्यान देने की कोशिश करिए। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन, लव यू पीपल, बाय बाय।